जानकारी व्हाट्सएप। डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक इन अम्स ऑनलाइन क्लासेस। टुडे वी डिस्कस चैप्टर नंबर 7 व्हिच इज क्यूब रूट। एट क्लास में जो है अपन आज चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। ठीक है, तो देखो इससे पहले अपने ने चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कंप्लीट कर लिया है। अब देखो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ क्यूब्स। देखो स्क्वायर का मींस था कि एक नंबर को अगर आप आपस में दो बार मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो क्या कहलाता है, स्क्वायर। इसी तरीके से जब आप किसी नंबर को आपस में 3 times जब मल्टीप्लाई कराएंगे ए क्यूब, वो क्या कहलाएगा, क्यूब। फॉर एग्जाम्पल मैंने डिजिट 1 लिया है, ठीक है, अगर 1 को मैं 3 times मल्टीप्लाई करा तो 1 into 1 तो ये कितना हो जाएगा, 1। इट मींस 1 का जो क्यूब है वो कितना होता है, 1। इसी तरीके से जो है अगर 2 का क्यूब आपको फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे, 2 को 3 times आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना होगा, देखो 2 into 2 4 4 into 2 8। ठीक है, तो 2 का जो क्यूब है वो कितना हो गया, 8। इसी तरीके से अगर आप 3 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो आप यहाँ पर 3 into 3 will be 9 9 into 3 will be 27। तो क्यूब ऑफ 3 is 27। तो यहां से अगर आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, मतलब कि हर डिजिट को जो है आपस में 3 times मल्टीप्लाई कराने पर मैं किसी भी नंबर का क्यूब आपस फाइंड आउट कर सकता हूँ। एक और अपन एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे अगर आप 6 का क्यूब आपको निकालना है तो 6 को 3 times आपस में मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। ठीक है, तो अपने को यह तो पता है कि 6 into 6 विल भी कितना होता है, 36। अरे 6 को जब मैं 6 से मल्टीप्लाई कराता हूँ वो मेरा कितना होता है, 36। अब 36 को 6 से और मल्टीप्लाई कराते हैं, देखो देखो यहाँ 6 को 6 से गया 36, 6 यहाँ पर आ गया, 3 पावर में चला गया, 6 3 से कितना हो जाएगा, 18। 18 में 3 ऐड किया तो 216। इट मींस 6 का क्यूब कितना होता है, 216। इसी तरीके से आप याद रखेंगे, ठीक है, 1 से लेकर आपको देखो 10 का और अब 10 का क्यूब अपन फाइंड आउट करते हैं, देखो 10 को 3 times मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 10 को 10 से मल्टीप्लाई कराने पर ये कितना हो जाएगा, 100। 100 को 10 से मल्टीप्लाई कराने पर 1000। तो 10 का क्यूब कितना हो गया, 100। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर मैं पूछूं कि 1000 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा तो कितना होगा, 10। ठीक है, तो 216 का क्यूब रूट कितना होगा, 6। 27 का क्यूब रूट कितना होगा, 3। 8 का क्यूब रूट कितना होगा, 2। एंड 1 का क्यूब रूट कितना होगा, 1। तो ये था इस चैप्टर के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन जो अपने ने पढ़ाया, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। ठीक है, अब इसी के अपन क्वेश्चन आंसर अगर देखें, हाँ एक क्वेश्चन देखो इसमें एक्सरसाइज 7th में एग्जांपल 2 है, इज 392 ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है, ये एग्जांपल का क्वेश्चन है। अब देखो स्क्वायर, स्क्वायर में अपन क्या करते थे, अरे स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर जो है आपने इससे पहले देखा है 6 एक्सरसाइज में, कैसे अपन फाइंड आउट करते थे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अपन क्या कर लेते, इसके फैक्टर फाइंड आउट करते थे। अगर फैक्टर में 2 के कंप्लीट कोई नंबर के 2 पेयर बनते हैं, ठीक है, तब तो वो क्या कहलाता है, परफेक्ट स्क्वायर, अदरवाइज नहीं। तो इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन में अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर 3 के पेयर बनते, इसमें आपको कितने पेयर बनाने, 3 डिजिट 3 नंबरों का एक पेयर आपको बनाना पड़ेगा। तो देखते हैं अपन 392 जो है परफेक्ट क्यूब है या नहीं, तो इसके पहले क्या करना पड़ेगा, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। तो लास्ट में 2 है, मतलब 2 से इसमें कंप्लीट डिवाइड चला जाएगा। ठीक है, तो 392 का हाफ कितना होगा, देखो 2 का डिवाइड लगाना पड़ेगा इसमें पहले, तो कितना जाएगा, देखो 1 times 2 आ गया, 3 में से 2 गया तो 1, 9 बज गया, कितने टाइम जाएगा, 9 times, 2 9 जाए 18, 18 में से 1 बज गया, फिर 2 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, तो 2 का डिवाइड लगाने पर मेरे को मिला 196। ठीक है, अगेन आगे देखो आप, इसमें भी किसका डिवाइड लगेगा, 2 का। अब 196 में 2 का डिवाइड लगाना पड़ेगा तो आप देखो कितने टाइम जाएगा,
यहीं पे अपन डिवाइड लगा लेते हैं इसका, देखो इसमें जाएगा 9 टाइम्स, 18 आ गया है ना, 18 में से 9 माइनस 18 1, 1 किसके साथ जाएगा, 6 के साथ, तो 16 में 2 का डिवाइड कितने टाइम जाएगा, 8 टाइम्स, तो ये आ गया मेरे पास 98। अब इसमें भी 2 का डिवाइड चला जाएगा देखो, क्योंकि लास्ट वाला डिजिट क्या है, इवन नंबर है, देखो अब इसमें 98 यहीं पे लगा लेते, पहले 9 में जब जाएगा कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा तो मेरे को कितना मिल जाएगा, 8, 9 में से 8 जब जाएगा तो कितना मिलेगा, कितना मिलेगा देखो, 98 को 2 से डिवाइड लगा रहे, 4 टाइम्स जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है, 9 माइनस 8 विल बी 1 और 8 आ गया, यहाँ पे आ गया 49, 98 का कितना आ गया 49। अब क्या 49 में 2 का डिवाइड चला जाएगा, देखो अब यहाँ पर क्या 98 में जो है 2 का डिवाइड चला जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट वाला नंबर क्या है, क्या नंबर है, ओड नंबर है, तो इसमें जाएगा 3 का चला जाएगा, देखो 3 का डिवाइड जाने के लिए मैंने आपको बता रखा है डिजिट को, डिजिट सम 3 के टेबल में आना चाहिए, 4 प्लस 9 कितना होता है 13, 13 3 के टेबल में आता नहीं है, तो 3 का नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, उसके बाद प्राइम नेक्स्ट प्राइम नंबर है 7, तो 7 का इसमें डिवाइड लगा हुआ कितना जाएगा, 7 टाइम्स, तो 7 में 7 का डिवाइड चला जाएगा 1 टाइम्स। अब देखो आप यहाँ पर मेरे को ये बताना है कि परफेक्ट क्यूब है या नहीं। अब परफेक्ट क्यूब होने के लिए किसी भी नंबर के 3 पेयर होने चाहिए, देखो इन्होंने एक पेयर बना लिया, अरे 2 का एक पेयर बन गया, इसमें 3 पेयर आ गए, ठीक है ये एक पेयर बन गया अभी। अब 7 का देखो यहाँ पर क्या पेयर बन रहा है, क्या एक 7 और आ रहा है, नहीं, क्योंकि 7 के ओनली 2 पेयर बन रहे हैं, तो दिस इज नॉट परफेक्ट क्यूब, ठीक है, क्योंकि 7 का जो है पेयर नहीं बन रहा, यहाँ पर 7 जो है उसका पेयर नहीं बन रहा। अब इसी तरीके से देखो एग्जाम्पल जो है ये कंप्लीट होता है, यहाँ पर एक्सरसाइज 7.1 अभी अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है, यहाँ तक वीडियो को पहुंच करके आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 है 216, विच, देखो पहले मैं रीड कर लेता हूँ क्वेश्चन को, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब, जो नीचे नंबर दे रखे हैं उसमें से कौन जो है परफेक्ट क्यूब नहीं है ये मेरे को बताना है। जैसे फर्स्ट है मेरे पास 216, तो मैं क्या करूंगा 216 के प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर फाइंड आउट कर लूंगा। 2 के जब मैं फैक्टर फाइंड आउट करता हूँ, देखो इसमें 2 का डिवाइड चला जाएगा कितने टाइम जाएगा, देखो कितना आएगा 1 टाइम जाएगा, फिर 1 बचेगा 11 में कितने टाइम जाएगा, देखो 108 आएगा, वैसे आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। 2 का डिवाइड लेगा कितने टाइम जाएगा 1 टाइम्स, 1 टाइम गया 2 कुछ नहीं बचा, यहाँ पे 1 लिखा लिया, फिर यहाँ पे 0 लगाया, फिर यहाँ पे 0 लगाया, ठीक है, तो कितने टाइम जाएगा यहाँ पे, अब 6 लिखेंगे, अब जाएगा 108, ठीक है, क्योंकि 16 यहाँ पे कितना हो गया 0, तो जो है 216 का हाफ कितना हो गया 108। देखो यहाँ पर आप कंप्लीट डिवाइड लगा भी चेक कर सकते हैं, और अदरवाइज देखो अब अगर आप किसी भी नंबर में इफ यू डिवाइड एनी नंबर विद 2 तो आपको सिंपली उस नंबर का हाफ कर देना है। 216 का हाफ कितना हो जाएगा 108, 200 का हाफ हो गया 116 का हाफ हो गया 8, इसी तरीके से 108 है, अब इसमें आपको 2 का डिवाइड लगाना है कैसे करोगे, 10 का डिवाइड कितना होता है 5, 8 का डिवाइड कितना होता है 4, हो गया यहाँ पे, इसी तरीके से 2 का इसमें डिवाइड लगाओ कितने टाइम जाएगा, 54 का हाफ कितना होता है 27, अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे आपको भी ये नंबर याद हो जाएंगे, 54 का हाफ कितना होता है 27, अब 27 में क्या 2 का डिवाइड जाएगा, नहीं जाएगा, 27 में 2 का डिवाइड नहीं जाएगा, क्या इसमें किसका जाएगा 3 का, 3 9 जाए कितना होता है, कितना होता है 27, 27 में जो है 3 का डिवाइड लगाऊंगा तो 3 9 जा विल बी 27, अब 9 आ गया, अब 9 में जो है क्या 3 का डिवाइड जाएगा, जाएगा भी, ये 3 आ गया, फिर यहां से 3 का डिवाइड इसमें चला जाएगा 1, क्या जो है 216 जो है परफेक्ट क्यूब है या नहीं ये मेरे को बताना था, तो अपन चेक करते हैं। तो 216 को जो है मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3, तो 2 का एक ये पेयर बन गया, ये एक ये पेयर बन गया, इसमें से अगर मैं बाहर निकाल दूंगा, अगर आपको क्यूब रूट फाइंड आउट करना है तो क्यूब रूट भी अपन यहीं पे सीख लेते हैं, देखो तो पेयर तो यहाँ पर इसका भी बन रहा है और इसका भी बन रहा है, तो ये तो परफेक्ट क्यूब तो हो गया, यहाँ पे आप लिख दोगे दिस इज ए परफेक्ट क्यूब, ये परफेक्ट क्यूब तो बन गया यहाँ पर, ठीक है, ये परफेक्ट क्यूब तो
यहाँ पर बन गया। अब इसका क्यूब रूट अगर फाइंड आउट करते हैं तो जो पेयर बनाया है आपको उसमें से एक एक नंबर बाहर लेना है, इसमें से आपको टू बाहर लेना है, इसमें से आपको थ्री बाहर लेना है, टू इंटू थ्री सिक्स, तो इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा? अगर क्यूब रूट में निकालता हूँ टू वन सिक्स का तो वो कितना हो गया सिक्स, और मैंने यहाँ पर आपको बता रखा है कि टू वन सिक्स का क्यूब रूट कितना आता है सिक्स। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर वन, यहाँ तक आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हैं। हाँ अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें मेरे पास 100, देखो फोर्थ है इसका पार्ट, सारे सेम पैटर्न है, सभी के फैक्टर करने हैं और सोल्व करना है, बस कुछ भी नहीं है, सभी सेम पैटर्न पर चलेंगे। हाँ 100 जो है परफेक्ट क्यूब है या नहीं है वो चेक करने के लिए मैं इसमें 2 का डिवाइड लगाऊंगा, कितने जाएगा 50, फिर 2 का डिवाइड लगाया कितनी टाइम्स 25, फिर 2 का डिवाइड जाएगा क्या इसमें, नहीं जाएगा, किसका जाएगा 5 का, तो कितना जाएगा 5, फिर 5 में 5 का डिवाइड जाएगा 1 टाइम्स। अब क्या किसी के भी पेयर बन रहे हैं, ना इसके पेयर बन रहे ना इसके पेयर बन रहे, ठीक है, तो ये नॉट परफेक्ट क्यूब है, ठीक है, नॉट परफेक्ट क्यूब, ये आप इस क्वेश्चन में लिख लो। अगर परफेक्ट स्क्वायर पूछे तो देखो क्या परफेक्ट स्क्वायर है भाई, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 के दो ही पेयर बनाने होते हैं, अगर दो नंबर आ रहे हैं तो एक पेयर बन जाता है, अगर एक डिजिट दो बार आ रहा है तो इसका भी एक पेयर बन जाता है, तो ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, ना कि क्या है परफेक्ट क्यूब। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर कंप्लीट होता है, सारे इसी पैटर्न पर आप सोल्व कर सकते हैं, 128,000 and 466,656 भी इसी तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। अभी देखो इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको बता रहा हूं, अभी देखो ये एक्सरसाइज जो है अपना जो 6.1 अपने ने पढ़ा था उसी तरीके से, ठीक है, बस इसमें आपको 3 के पेयर बनाने, 3 नंबर का एक पेयर आपको बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 2 में पहला जो है देखो क्या कह रहा है इसमें देखते हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई must be multiplied to obtain a perfect cube, ठीक है भाई। Smallest देखो ये जो नीचे नंबर दे रखे हैं ये परफेक्ट क्यूब है नहीं, ठीक है, अगर इनको परफेक्ट क्यूब बनाना है तो इसे कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई कराएं ताकि मेरे को क्या मिल जाए परफेक्ट क्यूब मिल जाए। तो देखो इसमें पहला एग्जाम्पल है मेरे पास 243, अब क्या इसमें देखो किसका डिवाइड जाएगा 243 है, 3 2 का तो जाएगा नहीं, अब 3 का डिवाइड जाने के लिए मैं चेक कर लेता हूँ क्या इनका डिजिट सम 3 के टेबल में आता है, 2 + 4 = 6, 6 + 3 = 9, 9 3 के टेबल में आता है तो ये 3 से डिविजिबल है, तो 3 से जब डिविजिबल है तो 3 8 = 24, 3 3 = 1, ये कितना आ गया 81। आगे देखो इसमें जब मैं 3 का डिवाइड लगाऊंगा 81 में, 8 + 1 क्या होता है, अरे 8 + 1 हो गया मेरे पास 9, 9 3 के टेबल में आता है तो 81 भी क्या है 3 से डिविजिबल है, तो 3 का 81 में जब डिवाइड लगाने पर मेरे को मिल गया 2 टाइम्स जाएगा, ठीक है, 3 2 = 6 होता है, 8 में से जब 6 कटाया तो 2 बच गया, 2 में से जब मेरे को 1 मिला तो 21 बन रहा है, 21 में 3 का डिवाइड जाएगा 7 टाइम, ठीक है, तो ये आ गया 27। अगेन देखो आप 3 का डिवाइड लगाने पर कितना बचेगा इसमें से देखो 9 टाइम्स जाएगा, फिर इसमें 3 का डिवाइड लगाने पर 3 आ जाएगा, फिर 3 का डिवाइड लगाने पर यहाँ पे मेरे को कितना मिल गया 1। अब देखो यहाँ पर 243 को जो है मैं क्या लिख सकता हूँ 3 × 3 × 3 × 3 × 3, ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर यहाँ से बन रहा है लेकिन इसका पेयर नहीं बन रहा। अब मेरे को ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जब जो है इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूं तब ये 243 मेरे को क्या मिल जाए परफेक्ट क्यूब मिल जाए। तो देखो जिसका पेयर नहीं बन रहा, देखो यहाँ पर 3 के 3 पेयर बन रहा है तो इसको तो कराने, यहाँ पर देखो किसकी कमी दिख रही है आप, अगर एक 3 और होता तो ये भी क्या बन जाता पेयर बन जाता, तो मैं इसको क्या करा दूंगा 3 से मल्टीप्लाई करा दूंगा, ठीक है, तो 3 से जब मैं मल्टीप्लाई कराता हूँ तो इधर भी करा लेता हूँ 3 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12 का 2, 1 पावर में 3 × 2 = 6, 6 में मैंने जब 1 ऐड किया तो कितना मिल गया मेरे को 729, और 729 जो है 9 का क्यूब होता भी, ठीक है, 729 का क्यूब रूट कितना होता है 9, ठीक है, इसका परफेक्ट क्यूब बन गया है यहाँ पर। इसी तरीके से देखो आगे इसमें और क्वेश्चन दे रखा है मेरे को, 72 वाला करते हैं अपन, ठीक है, यहाँ पर देखो आप
72 का देते हैं अपन। अगर आपको जो है 72 का क्यूब रूट बताना है कि इसके कैसे नंबर से मल्टीप्लाई कराऊं ताकि जो 72 जो है मेरे को परफेक्ट क्यूब मिल जाए, तो पहले इसके फैक्टर फाइंड आउट करने पड़ेंगे। जब मैंने इसके फैक्टर निकाले तो कितना मिला मेरे को, 72 का 2 में डिवाइड लगाने पर 72 का हाफ, तो इसमें 3 टाइम जाएगा 1 बचेगा, फिर 1 12 2 के साथ 12 बनाएगा, फिर 6 चला जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसमें अगेन 2 का डिवाइड जाएगा तो कितना मिलेगा मेरे को, 1 टाइम्स 1 बच गया 16 8। इसी तरीके से 2 का डिवाइड अगेन गया कितने टाइम्स गया, 9 9 में 3 का डिवाइड जाएगा 3 टाइम्स, फिर 3 में 3 का डिवाइड जाएगा 1 टाइम। अब 72 जो है वो क्या बना रहा है, 2 × 2 × 2 × 3 × 3, ये एक पेयर बना रहा है, ये एक पेयर बना रहा है। अब देखो यहां से आप यहां से तो अगर आप पेयर बनाते हो तो इसका तो पेयर बन रहा है भाई, लेकिन इसका नहीं बन रहा, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करा दूं। देखो अगर 3 जो है यहां पर 2 टाइम्स है, एक टाइम अगर और हो जाता ये तो क्या बन जाता, पेयर बन जाता, तो इसको मेरे को किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 3 से। ठीक है, तो 3 ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 72 क्या हो जाएगा, परफेक्ट। तो 72 को 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं, कितना बन गया देखो, 3 × 2 = 6, 3 × 7 = 21, और 216 किसका परफेक्ट क्यूब रूट होता है, किसका होता है, 6 का, ये मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है, इस तरीके से बाकी बचे हुए भी सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 3 अपन और एक कर लेते हैं इसका, इसको लिखने के लिए आप यहाँ पर वीडियो को पॉज कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 अभी बता देता हूं आपको, एसी पैटर्न पर चलेगा। देखो ये प्राइम फैक्टराइजेशन थोड़ा मैं फास्ट कर रहा हूं क्योंकि आपको पहले ऑलरेडी मैंने जो परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं अपन, स्क्वायर रूट, वो मैंने आपको बता रखा है एक्सरसाइज 6 में। इसी तरीके से अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। अब आपको ऐसा नंबर बताना है जिससे मैं अगर मैं डिवाइड करा दूं तो मेरे को क्या मिल जाए, परफेक्ट क्यूब मिल जाए। तो देखो पहला नंबर है मेरे पास 81, 81 का अगर मैं डिवाइड लगाता हूं 3 से तो कितना मिलेगा मेरे को, 27, फिर 3 का 27 में डिवाइड लगाने पर 9, फिर 3 का 9 में डिवाइड लगाने पर 3, फिर 3 का 3 में डिवाइड लगाने पर कितना मिल रहा है मेरे को, 1 मिल रहा है। अब देखो आप यहां पर 81 को मैं क्या ले सकता हूं, 3 × 3 × 3 × 3, अब इसका तो पेयर बन रहा है, कौन बाकी दे रहा है, सिर्फ ये। अगर इसमें मैं अगर डिवाइड लगा दूं 3 का तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बच जाएगा सिर्फ मेरे पास, 3 × 3 × 3 भी वो कितना होता है, 27, 27 किसका परफेक्ट क्यूब होता है, 3 का। ठीक है, 27 का क्यूब रूट कितना होता है, 3 का। तो इस तरीके से जो है आपको करना है कि इसे कौन से नंबर से मैं डिवाइड कराऊं तब जाके मेरे को परफेक्ट मिल, परफेक्ट क्यूब मिल जाए। तो मैंने किसका डिवाइड लगाना पड़ेगा यहाँ पर, डिवाइड विथ 3, डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए मेरे को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से। तो देखो आज अपन जो है इतना ही करते हैं क्वेश्चन। अभी इसके देखो होमवर्क क्वेश्चन आप नोट कीजिए, इससे में डिवाइड वाले में जो है आपको क्या करना है, 128 वाला क्वेश्चन आपको करना है N704 का, और क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो आपको करना है 256 के लिए। ठीक है, एंड आप 675 के लिए करेंगे, ठीक है 675 के लिए भी आप, ठीक है 675 के लिए ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कराऊं तब जाके ये परफेक्ट क्यूब बने, और यहां पर आपको ऐसे कौन से नंबर से डिवाइड कराएं जब जाके मेरे को परफेक्ट क्यूब मिले। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का होमवर्क है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आपका होमवर्क है। ये सारे क्वेश्चन आपको आज घर पर ट्राई करने हैं, और अगर आप फिर से भी अगर कोई डाउट रहता है तो जो है आप वीडियो को ध्यान से देखते हुए उसमें वहां पर आप आंसर क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आपको आंसर प्रोवाइड कराने की ट्राई की जाएगी। ठीक है, और इनके अलावा अगर आप जो है प्रीवियस जो वीडियो आप देखते हैं उनमें भी अगर डाउट आता है तो भी आप क्वेश्चन उनसे रिलेटेड भी पूछ सकते हैं।